प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस पर मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को बताया कि बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतने की मशीन नहीं है, बीजेपी को समाज के सभी तबके का समर्थन मिल रहा है। बीजेपी के 41 वर्ष साक्षी है कि सेवा कैसे की जा सकती है, कार्यकर्ताओं के दम पर कैसे पार्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है। बीजेपी आज देश के हर राज्य जिले में मौजूद है। पीएम मोदी ने बीजेपी के विरोधियों का भी सम्मान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पद्म पुरस्कार को लेकर बीजेपी की सरकार ने ऐतिहासिक काम की है, जिसके पैर में जूते तक नहीं है उन्हें भी पद्म पुरस्कार मिल रहा है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने केरल और बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केरल और बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले किए जाते हैं, लेकिन हमने वंशवाद और परिवारवाद के अंजाम को भी देखा है। आज अधिकांश पार्टियां एक परिवार और कुछ लोगों तक सिमट कर रह गई हैं। ऐसी पार्टियों ने नकली सेक्युलरिज्म का नकाब पहना हुआ था, उनका नकाब उतर गया है। उन्होंने कुछ लोगों के लिए पॉलिसी बनाई, वोट बैंक के लिए नीतियों को बदला और बनाया। बीजेपी की सरकार सभी को लेकर चलती है, लेकिन फिर भी हमें एक तबके से जोड़कर देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने सीएए और कृषि बिल पर जारी विरोध को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि सोची समझी साजिश राजनीतिक अस्थिरता के मकसद से ऐसा किया जा रहा है। पीएम मोदी ने संविधान बदलने और नागरिकता छीनने को गलत नैरेटिव करार दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन छीनने की बात भी गलत है, कुछ लोगों को हार नहीं पच रहा है, लिहाजा बीजेपी से दुश्मनी निकालने के लिए गलत मैसेज फैला रहे हैं। बीजेपी के हर कार्यकर्ता को सतर्क रहना है, लोगों को सावधान करना है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे कद्दावर नेताओं का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने साफ किया कि बीजेपी में व्यक्ति से बड़ा दल है। अटल जी ने एक वोट से सरकार गिरने दी, मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। कोरोना काल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर पसीना बहाया है। आज केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ा रही है और हम इस लक्ष्य को पा कर रहेंगे। इस अपडेट में इतना ही। बिहार झारखंड समेत देश दुनिया की हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।